Hello and welcome. Today we are going to study a very important part of our renal system, your urinary system, that is kidney. We all have heard about kidney. We all know ki hamari body ke andar ek pair present hota hai kidney ka. But if I talk about function, what is the function of kidney? So in this video, we'll study in detail that what is the function of kidney and what is the process in detail that takes place in our kidney. So sabse pehle agar main term pe aaun kidney ki, to kidney jo hai hamari body ke andar ek pair mein present hota hai. हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है और ये क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है एंड सेकेंडली यूरिन का प्रोडक्शन करता है. वी ऑल नो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 24/7 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस. तो ड्यू टू दिस हमारी केमिकल रिएक्शन से कुछ ना कुछ वेस्ट भी जनरेट होता होगा. अब वो वेस्ट की रिमूवल के लिए, हमारे ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट है उसके रिमूवल के लिए जो प्रोसेस होता है, तो किडनी प्लेज अ primary role in that. So let's dig into it and study in deeper. सबसे पहले kidney एक bean shaped structures है, एक pair में present होता है. Okay, bean shaped structure है, राजमे के दाने जैसा इसका structure होता है. और ये present कहाँ होता है, posterior side of our abdominal cavity. हमारी जो abdominal cavity है posterior, एक होता है anterior, एक होता है posterior. Anterior मतलब आगे वाला portion and posterior मतलब पीछे वाला पोर्शन. तो जो किडनी है दैट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पोर्शन, हमारी जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम के पीछे पोस्टीरियर रीजन में ये प्रेजेंट होती है किडनी. ठीक है, वन इज राइट किडनी, सपोज दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. राइट किडनी, लेफ्ट किडनी. राइट किडनी किसके पोस्टीरियर में होती है, लीवर के. राइट किडनी इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर ऑफ लीवर. और जो लेफ्ट किडनी है ये किसके पोस्टीरियर में, स्प्लीन के पोस्टीरियर में ये प्रेजेंट होते हैं. अब अनदर क्वेश्चन विच इज जनरली आस्क्ड कि राइट किडनी जो है उसका हम कहें कि थोड़ी सी लोअर क्यों होती है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा क्यों होता है या थोड़ा सा नीचे क्यों लाई करती है. द रीजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर. लीवर की प्रेजेंस से ये जो है प्रेजेंट होती है स्लाइटली बिलो इन कंपेरिजन टू द लेफ्ट किडनी. ऑल्सो किडनी के जस्ट अबव क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज डायफ्राम. डायफ्राम प्रेजेंट होता है और उसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है हमारी किडनी. दैट वॉज द बेसिक आइडिया अबाउट द पोजिशन ऑफ किडनी. नाउ किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर विच इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक. ऑल्सो इसकी वेट की बात करें, अप्रोक्सीमेटली इट इज 150 ग्राम एंड इट लाइज ऑन पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम एज वी जस्ट डिस्कस. Also, it's present below diaphragm. If you talk about right kidney, then it lies posterior to liver. And if you talk about left one, it lies posterior to spleen. Now, another function of kidney. If someone asks you that what are the basic functions of kidney, you know that one is urine formation, one is blood filtration. Also, it plays a very important role in the acid-base balance. एसिड बेस या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी किडनी. हमारी बॉडी के अंदर जो भी एज वी जस्ट सेड दैट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, तो उनका होम्योस्टेसिस बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किडनी. ऑल्सो दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. रेनिन क्या है, एक एंजाइम है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है. एंड एरिथ्रोमाइसिन ये क्या है, ये एक हॉर्मोन है विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. विल जस्ट स्टडी दिस इन डिटेल जस्ट नाउ. आफ्टर दैट कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, अगर किडनी को हम लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो हमें उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स, हमने ये पहले पढ़े हुए हैं कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. नेफ्रॉन ये स्ट्रक्चर हमने पहले स्टडी किया हुआ है. इट शुड साउंड सिमिलर. ये क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं. नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, कैप्सूल शेप्ड होता है ग्रोमेरुलस, जिसके अंदर ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं. यहाँ से वो जो ब्लड है मूव ऑन करता है कहाँ पे, ट्यूबुलर रीजन में, और जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है वो अल्टीमेटली यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है. नेफ्रॉन को हमने स्टडी किया हुआ है. तो नेफ्रॉन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. हमने इतना पढ़ा है कि किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन हुई, वो कहाँ से गया, ये जो हमारे यूरेटर्स हैं लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली, यहाँ से वो यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है, टेम्परेरीली
यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और अल्टीमेटली यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन दैट वी हैव स्टडीड. अब हम इसे स्टडी करते हैं कि इनसाइड द किडनी व्हाट एल्स इज प्रेजेंट, वी विल स्टडी दिस इन डिटेल. तो बेसिकली किडनी को हम जब हम इसे लॉन्गिट्यूडनल वे में कट करते हैं तो हम थ्री पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं. वन इज आउटरस फाइब्रस कैप्सूल. आउटर फाइब्रस कैप्सूल जो ये डबल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन. आउटर वॉल हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन. उसके बाद आया मिडल कॉर्टेक्स. मिडल कॉर्टेक्स रीजन कौन सा है? ये वाला सारा है मिडल कॉर्टेक्स रीजन. और उसके बाद कौन सा? इनर मेडुला. जो इनर मेडुला, ये इनर पोर्शन, दैट इज द इनर मेडुला पोर्शन. तो एक्चुअली यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? फाइब्रस कैप्सूल में प्रोड्यूस होगा? नहीं. कहाँ प्रोड्यूस होता है? कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर. ये हम अभी स्टडी करते हैं कैसे. आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर है. तो आउटर फाइब्रस कैप्सूल होते हैं, मिडल कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है. नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो क्वेश्चन अराइजेस, अब नेफ्रॉन तो हमने यहाँ कहीं बनाया ही नहीं है, तो नेफ्रॉन आउटर कैप्सूल में तो प्रेजेंट होंगे नहीं. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर. ये जो आपको ये स्ट्रिएशंस दिख रही हैं, ये स्ट्रिएशंस, ये एक हम इन्हें नाम देते हैं रेनल पिरामिड्स. ये पिरामिड्स बन रहे हैं और ये जो स्ट्रिएशंस हैं ये किसकी वजह से बन रही हैं? ये नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट की वजह से बन रही हैं. ये इसके अंदर कैसे प्रेजेंट? ग्लोमेरुलस रीजन है, ये प्रेजेंट होता है हमारे कॉर्टेक्स के अंदर. और ये जो ट्यूबुलर और कलेक्टिंग डक्ट वाला रीजन है वो प्रेजेंट होता है हमारे मेडुलर रीजन के अंदर. यहाँ पे इसका इस तरीके से ये डायरेक्टेड होते हैं और ये इसके बाद ट्यूबुलर एंड कलेक्टिंग डक्ट वाला रीजन प्रेजेंट होता है हमारे इनर मेडुलर रीजन के अंदर. ठीक है, अब क्या होगा आगे के प्रोसेसेस? पहले हम पार्ट स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरा प्रोसेस समझेंगे. हमें अभी क्लियर हो गया कि नेफ्रॉन की प्रेजेंस यहाँ पर होती है और वो अंदर फर्दर कलेक्टिंग डक्ट. अभी मैंने यहाँ ड्रॉ किया है रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन. अयोटा के थ्रू हमारे हार्ट से जो ब्लड रिलीज होता है, वी नो किडनी इज वेरी स्मॉल ऑर्गन, तो हार्ट से जो भी ब्लड रिलीज होता है अयोटा के थ्रू, कार्डियक आउटपुट का सिर्फ 20% जो ब्लड है हमारी किडनी उसे टेकअप करती हैं. किडनी ने टेकअप किया और वो ब्लड आया किसके थ्रू? रेनल आर्टरी के थ्रू, लेफ्ट एंड राइट रेनल आर्टरी रिस्पेक्टिवली. उसके थ्रू हमारी किडनी के अंदर क्या एंटर किया? अनफिल्टर्ड ब्लड जो हार्ट से आ रहा है, हमारा ब्लड क्या किया? एंटर किया किडनी के अंदर. और आफ्टर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस वापस ब्लड कहाँ जाएगा? रेनल वेन के थ्रू वापस जाएगा इनटू द वेना कावा. ठीक है, अभी वी हैव टू डिस्कस पिरामिड एंड हाइलम. पिरामिड आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नेफ्रॉन्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या बना रही हैं? पिरामिड्स बना रही हैं. और हाइलम कौन सा रीजन होता है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम, जहां से यूरेटर भी निकल रहा है और रेनल वेन भी निकल रही है. द पॉइंट फ्रॉम वेयर यूरेटर या रेनल वेन जो निकलती है, इधर से यूरिन निकल रहा है और इधर से क्या निकल रहा है? फिल्टर्ड ब्लड वापस जा रहा है. तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? हाइलम कहते हैं. आई होप दीज बोथ टर्म्स आर क्लियर. और नेफ्रॉन हमें पता चल गया, यहाँ पे अनफिल्टर्ड ब्लड आएगा, वहां से क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हमारा जो वेस्ट है यहाँ पे होगा, यहाँ पे वापस सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होगा कि कुछ और भी अगर वेस्ट पेंडिंग है तो वो वापस से एब्जॉर्व हो जाए इनटू द ब्लड. एंड आफ्टर दैट यूरिन विल मूव ऑन टू दिस कलेक्टिंग डक्ट. अब ये कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठी करके ब्लड को यूरिन को कहाँ से निकालेंगी? यूरेटर से निकालेंगी, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करेंगी और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर. तो इस प्रोसेस को हम कैसे समझते हैं? सबसे पहले जब यूरिन बन गया नेफ्रॉन के अंदर, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हुई इन द कलेक्टिंग डक्ट. अब कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कहाँ लेकर जाएगी? सबसे पहले यूरिन कहाँ से पास होगा? ये जो पिरामिड्स बनाए हैं इसकी ये जो टिप है, द टिप ऑफ दिस पिरामिड, इस पिरामिड की टिप को हम क्या कहते हैं? रेनल पैपिला कहते हैं. रेनल पैपिला, यहाँ पे सबसे पहले यूरिन जाएगा. दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड कि यूरिन सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? रेनल पैपिला में जाएगा. तो ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है पिरामिड की टिप पर. तो हम ये साथ साथ समझते हैं, यूरिन कहाँ गया? पहले रेनल पैपिला की टिप पे गया. उसके बाद ये जाता है माइनर कैलिक्स. माइनर कैलिक्स क्या है?
ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हैं माइनर कैलिक्स. माइनर कैलिक्स, अब ये टिप से कहाँ जाएगा? माइनर कैलिक्स में. बहुत सारी माइनर कैलिक्स इकट्ठी होकर यूरिन कहाँ लेकर आएंगी? ये वाली जो टर्म है, मेजर कैलिक्स के अंदर. ईजी है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा. क्या हुआ? रेनल पैपिला से इकट्ठे होकर कहाँ गया? माइनर कैलिक्स. बहुत सारी माइनर कैलिक्स इकट्ठे होकर कहाँ लेके गए यूरिन को? मेजर कैलिक्स में. उसके बाद 2 to 3, जनरली 2 to 3 मेजर कैलिक्स इकट्ठी होकर कहाँ जाएंगी? लास्ट, दैट इज रेनल पेल्विस. रेनल पेल्विस कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन. दिस रीजन इज कॉल्ड रेनल पेल्विस. ये रेनल पेल्विस से बस दिस इज द लास्ट वेयर द यूरिन गोज. उसके बाद तो सीधा यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर. इट्स वेरी सिंपल. आई नो डायग्राम इज अ बिट कम्प्लेक्स बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. वन मोर थिंग, ये जो पिरामिड्स मैंने बताए हैं जनरली कितने प्रेजेंट होते हैं? नियर अबाउट दे आर प्रेजेंट अराउंड 18 पिरामिड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद एक चीज़ और हम क्विकली डिस्कस करते हैं. एज आई जस्ट टोल्ड कि हार्ट ने जब ब्लड पम्प किया तो वो ब्लड 20% सिर्फ किडनी लेता है, बिकॉज किडनी इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गन. कार्डिक आउटपुट का सिर्फ 20% ब्लड कौन लेगा? हमारी किडनी लेंगी. किडनी के अंदर उसके बाद वो ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा? ब्लड सीधा ग्लोमेरुलस में आया कहाँ से? ये तो रेनल आर्टरी थी और ये ग्लोमेरुलस है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, तो ये हमें स्टडी करना है. 20% ब्लड, दैट इज द कार्डियक आउटपुट, इट गोज इन टू द सेगमेंटल आर्टरी, देन आर्टिक्यूएट आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी एंड फाइनली द ग्लोमेरुला, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल. ये 4 पाथ में ट्रेवल करेगा और देर इज नो सच थिंग टू अंडरस्टैंड इट. हमें ऐसे कैसे लर्न करना है ये पाथ? एंड इस पाथ के थ्रू ब्लड कहाँ गया? ग्लोमेरुला में. वापस से वो फिल्टर होकर वापस इसी पाथ से क्या हो जाएगा? रिवर्स होकर वापस मूव ऑन करेगा. ऐसे ही आया और ऐसे ही वापस गया बैक टू फ्रॉम वेयर इट केम. आई होप दिस वॉज क्लियर. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. इट साउंड्स डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्स diagram of the kidney itself, but I hope it was understandable. And if you like the video, do hit the like button, and if you have any question, do comment in the comment box. I'd love to answer. Thank you for watching.